नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत देकर राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रियंका गांधी से रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की मांग की तो उन्होंने पलटकर कार्यकर्ताओं से ही पूछ लिया, वाराणसी से चुनाव लड़ूं क्या? इस बात के कई राजनीतिक मायने निकाले जाएं तो साफ है कि इस बार वाराणसी के सियासी संग्राम में मोदी बनाम प्रियंका के बीच चुनावी जंग हो भी सकती है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों 3 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। बुधवार को प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र अमेठी में थी, तो वहीं गुरुवार को वो पूरे दिन अपनी मां सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली में रही। रायबरेली में प्रियंका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से कहा कि आप चुनाव लड़िए, इससे पूरे पूर्वांचल में पार्टी के हक में जबरदस्त हवा बनेगी। इतना सुनते ही प्रियंका गांधी ने हल्के फुल्के अंदाज से कहा, वाराणसी से चुनाव लड़ूं क्या? प्रियंका का इतना कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो गया और वो प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे जोर शोर से लगाने लगे। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने के सवाल पर सूबे के किसी ऐसी सीट का नाम नहीं लिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम रखा था और पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई थी। इसी के बाद से सियासी कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस प्रियंका को वाराणसी से उतार सकती है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के हाथ में है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब तक उन्हें जो भी चुनौतियां मिली हैं उसका उन्होंने बखूबी सामना किया है। प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। बहरहाल वाराणसी में प्रियंका के आने से बड़ा सियासी तापन अभी उतरा भी नहीं था कि उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कहकर उसे और बढ़ा दिया है। जाहिर है अब उनके इस बयान को प्रयागराज से मोदी के गढ़ वाराणसी की गंगा यात्रा से जोड़कर देखा जाएगा। प्रियंका के इस फैसले से बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। हालांकि वाराणसी बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट होने के चलते बीजेपी कोई कोर कसर रखना नहीं चाहेगी। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को करीब 3,70,000 मतों से मात दी थी। न्यूज इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश से स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी के आने से खलबली तो जरूर मची है और आखिरकार उन्हें कांग्रेस का तारनहार भी कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में कल जो प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक टॉन्ट मारते हुए एक मजाकिया लहजे में कहा है चुनाव लड़ने की बात पे कि क्या मैं वाराणसी से चुनाव लड़ दूं। भले ही उन्होंने ये बात मजाक में कही हो, लेकिन उनके इस मजाक के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा में जहां इस हलचल का एक दौर शुरू हो चुका है प्रियंका गांधी के इस बयान से, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से मजाक में कही हुई प्रियंका गांधी की बात को भाजपा सीरियस ले रही है और इस सीट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर आलोक पांडे जुड़े हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। ठीक, धन्यवाद उमंग जी। जी आलोक जी, जिस प्रकार से हालांकि प्रियंका गांधी ने ये बात मजाक में ही कही है कि क्या मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूं, लेकिन उनके इस मजाक के क्या कुछ मायने निकाल सकते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझ पाता हूं, जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन है, उस जमीन को फिर से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ही ये मात्र उनके खिलाफ लड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके।
अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कांग्रेस का परिवार है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी बार बार जो है एक पिकनिक की तरह जो है ऐसे समय समय पे एंट्री मारते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मोदी के खिलाफ किए गए कार्य के अनुरूप इनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचकाना सारी हरकतें रहती हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी इन्होंने ठोस ऐसी बात देश के सामने नहीं रखी, कोई ऐसा प्लान नहीं रखा है। जबकि इनको 60 वर्ष शासन करने का मिला हुआ था, और उस 60 वर्ष में देश को कभी भी आज तक ये जो है महाशक्ति के रूप में नहीं स्थापित कर पाए, कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए जो और तमाम हमारे विकसित राष्ट्र जो हैं जो उस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के आसपास भी नहीं पहुंचा पाए। और ये पिछले 5 वर्षों से मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, और मुझे लगता है कि शायद पूरे इस भारतवर्ष के हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा जरूर मोदी जी को इतना दिल से चाहता है, भले कोई किसी से मिला हो ना मिला हो एक अलग बात है, लेकिन ये उनके सामने कहीं भी नहीं टिकेंगी। बस ये केवल अपने एक कार्यकर्ताओं के जोश भरने के लिए ही बस मात्र उनके सामने खड़ी हो रही हैं। नहीं तो इससे पहले भी केजरीवाल जैसे भी लोग आए और कितने लोग आए और सब का समर्थन प्राप्त था उनको, उसके बावजूद वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए उल्लेखनीय। देखिए मोदी की जो स्टेचर हो गया है वो आज पूरे विश्व स्तर का स्टेचर है, और मोदी जो है पूरे विश्व के नेता हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि प्रियंका गांधी उनके कहीं भी किसी भी कोने में टिकेंगी। और तो और उन्होंने ऐसा कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं बताया है कि कांग्रेस जो है अगले 5 सालों में देश को किस उन्नति के रास्ते पे कैसे ले जाएगी। ये जो गरीबों को जो है एक लालीपॉप बांट के जो 72,000 का जो इन्होंने नारा दिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही कहीं ना कहीं ये जो स्लो पॉइजन है, जैसे स्लो पॉइजन दिया जाता है गरीब को मारने की चेष्टा है, कहीं ना कहीं गरीब की गरीबी मिटाने के लिए जो 60 वर्षों से कांग्रेस शासन किया है और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू सबने ये कहीं ना कहीं प्रयास किया है और नारा दिया कि गरीबी मिटाओ, इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया, लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटी है। और गरीबों को जानबूझ के गरीब रखा जाने का जो प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है पिछले विगत 60 वर्षों में, उसको कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने बहुत मेहनत करके मोदी जी ने जो है इस मुकाम पे लाए हैं। इतनी अर्थव्यवस्था की बदतर स्थिति में कांग्रेस छोड़ के गई थी देश को कि आपको मैं बता नहीं सकता कि इतने जिस कदर मतलब अर्थतंत्र बिगड़ा हुआ था, इतनी सब्सिडी का बोझ था, तमाम तेल कंपनियों के घाटे थे और तमाम तेल कंपनियों की उधारी थी ईरान जैसे तमाम कंट्रीज की। तो ये कहीं ना कहीं मोदी ने आके पूरे सब समस्त समग्र रूप से हर सोच से उन्होंने किसी न किसी तरीके से देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने हर काउंट पे काम किया, सुरक्षा से लेके रक्षा से लेके और तमाम ऐसे जो आर्थिक जो स्थितियां थी उनको बहुत ठीक किया। हो सकता उनको कड़वे सारे घूंट भी पीने पड़े, जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही देश को एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आज पूरा विश्व गर्व कर रहा है। अभी ईरान वो नेतन्याहू ने तमाम ऐसे विश्व के देश के नेता हैं जो मोदी के बारे में कहने से कुछ भी थकते नहीं, उनकी बड़ाई करने, और नहीं तो मनमोहन सिंह का दौर था, मनमोहन सिंह जाते थे पीछे पीछे चलते थे और अमेरिका और रूस वाले उनके तरफ पलट के भी नहीं देखते थे। आज स्थिति हो गई है कि मोदी जी जब चलते हैं तो जैसे शेर की तरह चलते हैं और कहीं ना कहीं और देश वाले उनको जैसे कॉपी करते हैं, अमेरिका हुआ चाहे रूस हुआ चाहे पुतिन हुए चाहे डोनाल्ड ट्रंप हुए, हर नेता उनको जैसे कहने वो कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है ये कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के सिवा और कुछ लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के सिवा और कोई इसमें मनसा दिखती नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोची समझी साजिश भी मुझे दिखती है कि किसी तरह मोदी को घेरो जिससे ज्यादा से ज्यादा रैली वो ना कर पाए या वो अपनी चुनाव को लेकर चिंतित हो जाए और जिससे वो अपने मकसद को। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के और अनीता अग्रवाल जी जो बीजेपी प्रवक्ता है, दोनों ही फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने एक सभा में हल्के लहजे में एक मजाकिया अंदाज में कहा है कि क्या वाराणसी से चुनाव लड़ना, तो इस बात के क्या कुछ मायने निकाल सकते हैं? नहीं तो वाराणसी से लड़ने का वो तो पार्टी निर्णय करेगी ना, तो यही कहा उन्होंने कि भाई पार्टी जहां कहेगी वो करूंगी। अभी तो फिर फिलहाल मैं ये प्रचार में लगी हूँ, अभी तो कुछ इस तरह की नहीं है, अभी तो मैं ये संगठन और प्रचार का काम देख रहा हूँ, पार्टी जैसा निर्णय करेगी वैसा करूंगी। जी लेकिन
सुरेंद्र सिंह जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे साल भर या पूरे 5 साल एक चेहरा जो दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक से सिर्फ जैसे ही चुनाव पास में आते हैं तभी वो चेहरा सामने आता है, तो ऐसे चेहरे के बल पर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कमाल कर पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, चेहरा पहले से भी रहा है। वो अमेठी रायबरेली में वो पहले से चुनाव का काम करती रही हैं। जी सुरेंद्र सिंह और जी, अमेठी अमेठी रायबरेली की बात अगर हम छोड़ दें तो हम पूरे देश की अगर बात करें या पूर्वी यूपी की बात करें, अमेठी रायबरेली को एक बार को छोड़ दीजिए, वो तो उनके घर की एक तरीके से संसदीय सीट हो चुकी है, उन दोनों जगहों को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में वो चेहरा कहाँ दिखाई देता है? नहीं, ऐसा है, आप स्वयं एक अच्छे एंकर हो भाई, आप जी इस बात पर थोड़ा देखो कि उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया है, जिस तरह से आए लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलना, बात करना, संवाद करना, मतलब 1 बजे रात से लेकर सवेरे 6 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से बात करना, नेताओं से मिलना, और किसी प्रकार का न इरिटेशन न कुछ न कुछ, इतना अच्छा। अब मैं आपके क्या मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने अपना रूप दिया है इस तरह का, इलाहाबाद से भी जो उन्होंने यात्रा की नाव से, गंगा जी के पूजन के जी बाद, हनुमान जी के दर्शन के बाद, अच्छा वर्ष जिस तरह से वहां गई, जहां भी गई, मवैया गई, दुमदुमा गई, सीतामढ़ी गई, सिरसा गई, इस तरह से जाते बनारस तक गई, वो जी जिस तरह से पब्लिक के बीच में उनका अट्रैक्शन है, पब्लिक से जिस तरह से संवाद है उनका, मैं तो एसपी जी का घेरा तोड़ के पब्लिक के बीच में जाती थी, जी बिल्कुल दुमदुमा में सुरेंद्र कई सिंह जगह जी, मैंने देखा आपने उनको। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से पब्लिक से संवाद है, जितनी प्रकार की उन्होंने यात्राएं की हैं, मंदिर गई हैं, गंगा में गई, गंगा के दो उन्होंने नाव से यात्रा करी है, सब कुछ आपकी बात सही है, वो हमने भी देखा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अभी तक पार्टी ने उनको टिकट देने में संकोच क्या रहा है, उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे हैं वो? नहीं, चुनाव मान लीजिए आप तो पार्टी निर्णय करेगी, चुनाव में तो कंपेन भी तो लोग जी, करेंगे ना। मेरा मेन सवाल ही आपसे ये है कांग्रेस से कि अगर इतना सब कुछ प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कर रही हैं तो उनको टिकट देने में संकोच क्यों? अभी तक नहीं, क्यों? अभी तो मान लीजिए भाई, चुनाव अभी भी तो तक किसी को लड़ाना चाहिए ना। अब तो कहीं एक जो पार्टी निर्णय करेगी वो मानूंगी, हाईकमान क्या निर्णय करता है वो तो चलिए अलग हम दे बात है। चलिए चलिए सुरेंद्र सिंह जी, देखते हैं हाईकमान क्या निर्णय करता है। अनीता अग्रवाल जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी पूर्वी यूपी में दौरे कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, अभी सुरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि एसपीजी का घेरा तोड़ के जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है अगर इतना सब कुछ प्रियंका गांधी कर रही हैं तो कांग्रेस पार्टी हिचक क्यों रही है उनको टिकट देने में? देखिए प्रियंका जी कोई अभी नया चेहरा तो है नहीं, अब वो पुराना चेहरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जनता भी जानती है, पार्टी भी जानती है, और ये कहीं से भी खड़ी हो जाए इनको अपना अपना भी पता चल जाएगा किस हाशिए पे हैं अभी। कांग्रेस पे जनता का जितना विश्वास था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पे बहुत भरोसा किया, बहुत समय कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस ने ना जनता के लिए कुछ किया, ना गरीबी के लिए कुछ किया, ना किसी, और आज वो जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम 72,000 देंगे सालाना, ये देंगे अभी इन्होंने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो अपने वादे किए थे वो तो पूरे होने के, किसानों को नोटिस पहुंच रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से जाना जा सकता है कि ये कितने जुमलेबाजी बात करते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब किसानों के पैसों का कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, लेकिन सब किसानों का नोटिस पहुंच रहे हैं, सब किसानों का, उनको आज तक कर्ज माफ ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, तो क्या करेंगे? इनका कहना और कथनी में बहुत फर्क है, जी सुरेंद्र जी क्या में बहुत फर्क रहा है हमेशा। जी सुरेंद्र जी क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का? नहीं, आप देखें जो ये बात कर रही है ये सबसे परे कर रही है, जैसे छत्तीसगढ़ में जो कमिटमेंट हुआ कि 2500 रुपया कुंटल धान का देंगे, किसानों का किसान लोन माफ किसान करें। कर्ज माफी की हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? नहीं, वही किसान कर्ज माफी नहीं हुई है, नहीं हुई है, एक वहां पे मिनट, किसी भी प्रदेश में नहीं हुई है कर्ज माफी, किसान रो रहा एक, है वहां पे। एक, एक जी मिनट, जी आप सुरेंद्र जी, पहले आप या तो डाटा मंगाइए कितने का माफ हुआ है, मतलब किसी का सबसे नहीं परे हुआ बात है, वहां पे नोटिस एक हो रहे हैं, वहां पे लोग परेशान हो गए हैं। देखिए मैं तो आपके बीच में कमेंट नहीं कुछ किया, जो आप बोली तो चलिए मेरी आप बात भी बता तो सुन ले दीजिए। थोड़ी सी, जी सुरेंद्र जी, मैं चुप हो जाऊं, आपको जो कहना हो कह जी, ले, मैं अनीता चुप हो जी, जाता हूं। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। जी सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि जो भी उन्होंने किसानों का जो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में किया है वो सब कर्जा माफ किया, मैं तो वहां गया भी था। जी उन्होंने कहा तो आप जानते हो कि कर्जे के प्रोसेस जो माफ होने का बैंक से ये वो ये सारे चीजें जो है इसमें 2-4 महीना समय लगेगा ना, 5 महीना सुरेंद्र ये जी, तो होगी उसमें। सुरेंद्र जी
सबसे बड़ा सवाल ही ये है, अगर आपने खुद ने अभी आपने ये कहा है कि इस पूरे प्रोसेस में 2-4 महीने का समय लगेगा, ये आपने अभी कहा है, हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में इतना बड़ा चीज आप किसी मंच से आप बोल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में समय लगता है, तो फिर किस बिना पे आपने 10 दिन का नाम लिया? और आप लगातार कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हमने 10 दिन का नाम लेके हमने 2 दिन में माफ कर दिया, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में 2 से 4 महीने लगते हैं। सुनो एक मिनट, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकल बात को आप ध्यान दो। जी हम प्रैक्टिकल बात पे ही ध्यान दे रहे हैं। 10 दिन के अंदर उन्होंने ऑर्डर कर दिया फाइल पर, सुरेंद्र जी आप, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, हम लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से भी और हम सब जगह हम और भी मीडिया के हम समाचार देखते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हर मंच से जहां जहां पे वो दौरे कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, आप कल भी देख लीजिएगा या कल भी उनके दौरे होंगे, वो मंच से वो बार बार कह रहे हैं कि हमने 10 दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा की थी और हमने कई जगह हमने 2 दिन में करके दिखा दिया, तो ये अलग अलग विरोधाभास बातें क्यों है भैया? आप पहले छत्तीसगढ़ की जो बात स्टार्ट की है, सुरेंद्र जी हमने तीनों राज्यों की, चारों राज्यों की बात करी, हमने अकेले छत्तीसगढ़ की बात नहीं करी, हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमने सब जगहों की बात करी है, छत्तीसगढ़ की बात आप लेकर आ गए। नहीं आप जो मैडम बोली है उस पर मैंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान में भी उन लोगों ने किया कि जिस डेट तक चुनाव घोषणा उस डेट तक उन्होंने किसानों की कर्जा माफी की बात कर दी, उन्होंने आदेश कर दिया, वित्तीय संसाधन मुहैया करा दिया। आप जानते हो कि वहां से यहां भी कोई कोऑपरेटिव का लोन है, किसी का बैंक का लोन है, किसी का अन्य चीज का लोन है, किसी का सोसाइटी का लोन है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता माफ का प्रोसेस करने में, प्रोसेस में, बाकी और चीज में उन्होंने तो वित्तीय जितना था उतना वित्तीय व्यवस्था कर दिया उन लोगों ने। जी सुरेंद्र जी, व्यवस्था व्यवस्था करने में और उस व्यवस्था को वास्तविक रूप में लाने में आपने खुद ने कहा कि 2 से 4 महीने लगते हैं, खैर ये अलग बात है, आप इसको मान रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को नहीं मानते, ये अलग बात है। खैर हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, सही बात कहा उन्होंने, जी सुरेंद्र जी उन्होंने कई बार कहा है, आप ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, आप खुद चेक कर सकते हैं, उन्होंने हर मंच से ये कहा है कि हमने 10 दिन का वादा किया था और कई जगह हमने 2 दिन में माफ कर दिया और प्रोसेस होने में अलग अलग बात है। सुरेंद्र जी कृपया इस चीज को मानिए, कर देने में और प्रोसेस होने में अलग अलग बातें हैं। आप भी हो जी, तो 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर हम किसान के कर्जे का जो ये है माफ कर दो, कोई किसान के कर्जे पर कोई कोई लोन लिया है तो क्या आप वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनसे रिकवरी करने जा रहा है? जी सुरेंद्र जी ये बात आप इस बात पे आप भी ध्यान दीजिए, इस बात पे आप भी ध्यान दीजिए, हर चीज का एक टाइम होता है, किसानों का कर्जा है, इतने करोड़ों का कर्जा होगा, लाखों का कर्जा होगा, उसको 10 दिन में या 2 दिन में माफ कर देना आसान नहीं, ये बात आप भी मान चुके हैं। खैर खैर के अंदर आप तो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो ना सुरेंद्र जी, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, खैर हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे पास इस समय कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। कपीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार कपीश जी, किस तरह की मुठभेड़ आप इस चुनावी दंगल में आप देख रहे हैं? क्योंकि इस चुनावी दंगल के अंदर जो है भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि है जी, कि सारे दल जो हैं अपने अपने विचारधारा के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए हैं जी, और दूसरी चीज ये है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से विकास करना चाहता है, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान समय में सत्ता जिनके हाथ में है उन्होंने कोई विकास का कार्य किया नहीं, क्योंकि संकल्प पत्र का जो इन्होंने जारी किया था 2014 के अंदर उसका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इनके द्वारा हमेशा दिग्भ्रमित करने के लिए आस्था के प्रश्नों पर बल दिया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी एहतियात से मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है और हम विकास पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने जब भी मसले उठाए हैं तो बेरोजगारी के उठाए हैं, किसानों के उठाए हैं, किसानों को मिलने वाले समर्पित मूल्यों पर उठाए हैं, तो इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस समय सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं वो कसाब कब्रिस्तान और शराब और शवाब इसमें जुट गए हैं, जिससे देश का कोई लेना लादना नहीं है। तो हम जी तो ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश जी कपीर जी, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बीच में रोक के एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी के यूपी के दौरे से क्या सपा बसपा के गठबंधन के जो लोग हैं उनकी धड़कनें कुछ बढ़ती हुई इसी दिखाई दे रही है?
देखिए चुनाव के अंदर जब कोई भी पार्टी जाती है, चाहे वो सत्ता दल हो, विपक्षी हो या कोई भी हो, तो दिल तो सबके धड़कते हैं और दिल धड़कना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मान करके चलेंगे कि हाँ हम ही सब कुछ हैं, तो ये चीज तो जनता जनार्दन है ना। हम तो अच्छे मुद्दों के साथ जा रहे हैं, हमें कोई भय नहीं है, लेकिन राजनीतिक चेतना इतनी मेरी जरूर है कि हमारा दल पूरे ताकत के साथ इस उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथ पर बहुत मजबूत है। जी। और 2017 के अंदर जो हमारी सरकार ने अच्छे काम किए थे उत्तर प्रदेश में, ये बात अलग है कि और बेहतर काम के लिए योगी सरकार को जनता ने चुना था और खुद जो है योगी सरकार ने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी और मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी मिला करके गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और गठबंधन से सारे दल लड़ रहे हैं, गठबंधन का किसी से लड़ाई नहीं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की जीत होगी या विकास के मुद्दे होंगे, जातिगत मुद्दे होंगे, या प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार में जो तेजी है और उनका जो कॉन्फिडेंस जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से कांग्रेस को क्या कुछ फायदा हो सकता है। फिलहाल अनीता जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन हुआ है सपा बसपा का और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के जो चुनावी दौर है वो हर संभव वो प्रयास कर रही है जनता से जुड़ने का, तो इन सबके बीच में बीजेपी को क्या कुछ नुकसान हो सकता है या कोई फर्क बीजेपी को यहां पर नहीं पड़ने वाला? जी अनीता जी। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी के जो चुनावी दौरे हैं जो लगातार हो रहे हैं, प्रियंका गांधी आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह ही मिल रही है, उनसे बात कर रही है, तो इससे क्या भाजपा को कोई चिंता है भी कि चिंता की कोई बात ही नहीं है इसमें? देखिए प्रियंका जी जो दौरे करे लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपना बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन जनता आज जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता अच्छे से समझती है क्या सही है क्या गलत है। मोदी जी ने चार पांच साल के अंदर उन्होंने गरीबी के नीचे स्तर तक काम किया, उन्होंने सबको आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आयुष्मान भारत की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उन्होंने उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना सारी उन्होंने कराई है। ये तो आज तक गरीबों के खाते नहीं खुलवा पाए जीवन में, ये गरीबों को क्या देंगे? कांग्रेस ने गरीबों के आज तक कभी खाते नहीं खुलवाए, जनधन योजना ही हमने खुलवाई, खाते भी हमने खुलवाए हैं, ये क्या करेंगे? इन्होंने अभी जो तीन प्रदेशों में इन्होंने वादे किए वो तो इन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए प्रियंका जी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि देश भी सुरक्षित चाहिए, जनता को अपनी भी सुरक्षा चाहिए और जनता को महंगाई से भी निजात पानी, और हमारे समय में महंगाई जो 200 रुपए किलो दाल मिला करती थी वो आज 80 रुपए किलो दाल मिलती है। एक महंगाई में जो ठहराव आया है ये मोदी जी की सरकार में आया, वरना मनमोहन सिंह जी की सरकार में इकबाल ही नहीं था, लोगों को हर समय डर लगा रहता था कि बस में ना आतंकवाद हो जाए, कभी रेलवे में ना हो जाए, कभी किसी स्टेट पे ना हो जाए, कभी लगता था मंदिर में हो गया, कभी कहीं हो गया, हर वक्त आदमी डरता था, सुरक्षित ही नहीं था, कहाँ आतंकवाद आ जाए पता नहीं, कम से कम इस समय देश सुरक्षित हाथों में। लेकिन अनीता जी, सुरक्षा चाहिए। आप ये जो सभी तमाम बातें आप कह रही हैं, आप बिल्कुल, हम आपको गलत नहीं ठहराते, बिल्कुल आप ये बातें सही कह रही हैं, लेकिन आप ही के कई सांसद हैं, जैसे हम इटावा के सांसद की बात करें जिन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है, तो क्या उनको ये चीजें नहीं दिखी? देखिए एक बहुत लोग कुछ ऐसे हैं जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं जी, कुछ उनके उनको नहीं वोट दिए गए थे, व्यक्ति को वोट नहीं दिए जाते, वोट दिए जाते हैं पार्टी को, और मोदी जी अपने नाम पे वोट मांगा था कि आपका एक एक वोट मुझको जाएगा, उन्होंने जनता से अपील की थी आप जो वोट देंगे मुझे देंगे, अब उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति नहीं कोई ज्यादा काम कर पाया, अगर उनकी टिकट काट दी तो स्वार्थ के लिए आए थे, स्वार्थ के लिए चले गए, तो स्वार्थ की राजनीति हमेशा के लिए किसी की नहीं चलती, अगर ऐसा है तो आज भी मोदी जी ने वही कहा है कि आपके वोट मुझे मिलेंगे, अगर कोई सांसद फिर काम नहीं करेगा स्वार्थ हित के लिए काम करेगा मोदी जी फिर उसको हटा देंगे, ये आपने अगर काम करना है, मोदी जी को काम करने वाले लोग पसंद है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जमीनी स्तर तक काम कर सके, जो जमीनी स्तर तक काम कर सकेगा, गरीबों का काम करेगा, अपने कार्य करेगा, सारी योजनाओं को नीचे स्तर तक पहुंचाएगा, वही सांसद रह पाएगा, क्योंकि मोदी जी अपने। चलिए अनीता जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मोदी जी को काम करने वाले लोग पसंद है, अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रंग लेकर आता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्रियंका गांधी के जो पूर्वी यूपी में दौरे चल रहे हैं, उन्होंने एक तंज जो कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार पर, साथ ही साथ
एक मजाकिया लहजे में उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात भी शेयर की अपने समर्थकों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से तेजी के साथ में दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो ऐसी क्या मुख्य वजह हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनको कहीं से टिकट नहीं दिया है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम हमारे मेहमानों का धन्यवाद, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।